हेलो गाइस, टेस्टी वेजी खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यूके में हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊँ। आप आज वेदर अच्छा है यूके में, यूजुअली यहाँ वेदर अच्छा नहीं होता तरीके से। ये सारे मकान बने हुए हैं, यहाँ कार्स आ रही हैं जा रही हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर कार्स ही चलती हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, तो टू व्हीलर जब साल में कुछ दिनों के लिए जब अच्छा वेदर होता है तभी कुछ लोग दिखते हैं टू व्हीलर में, अदरवाइज़ तो यहाँ कार ही चलती है। ये देखिए ये मकान किस तरीके से बने हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे इंडिया में गाँव में हर टाइप के बने होते हैं ना, वैसे यहाँ पर ऊपर से इस तरीके से हर टाइप के बने हुए होते हैं। ये देखिए हर घर के बाहर आपको कार मिल जाएगी, एक या दो कारें हर घर के बाहर खड़ी हुई मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ कार के बिना काम नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी जाने आने के लिए आपको कुछ तो गाड़ी चाहिए, जैसे हमें इंडिया में चाहिए होती है ना, तो इंडिया में हम टू व्हीलर ले लेते हैं क्योंकि वहाँ वेदर का प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ वेदर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए देखिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो बनाकर आपको दिखाऊं कि यूके में कैसी हैं सारी चीज़ें। ग्रीनरी बहुत है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, और बारिश हमेशा होती रहती है, बट आज लकीली बहुत अच्छा वेदर है। तो और मैं इस तरीके के सोच रही हूँ कि मेरे चैनल पे इस तरीके के भी वीडियोस डालती रहूँ, ताकि आप लोगों को रेसिपी के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी इंजॉय करने का मौका मिले घर बैठे बैठे। ये देखिए हल्की हल्की धूप भी आ गई, यूजुअली ऐसा वेदर नहीं होता। मैं जब वेदर जैसा होता है वहाँ यहाँ पे वैसा वीडियो भी बना के डालूँगी तो आप लोगों को दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर सारे घर ऐसे ही बने हुए हैं, ये तो घर इंडिपेंडेंट घर हैं। जो फ्लैट्स होते हैं वो फ्लैट्स बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हमारे इंडिया में बने होते हैं, बिल्डिंग के अंदर ढेर सारे फ्लैट्स। तो मैं उसका वीडियो भी आगे दिखाने वाली हूँ आपको, फ़िलहाल तो आप ये घर देख लीजिए। ये रोड के दोनों साइड ये देखिए घर बने हुए हैं। देखिए गाइस इस घर में कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब यहाँ पर समर होती हैं तो लोग बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स पेड़ पौधे घर में लगाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल आ जाते हैं उनमें और बहुत सुंदर दिखते हैं घर, क्योंकि विंटर में तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पॉसिबल नहीं है, पेड़ पौधे मर जाते हैं, ऐसी बारिश भी हमेशा होती रहती है तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन समर में भले ही कुछ दिनों के लिए होता है लेकिन भरपूर उस अपॉर्चुनिटी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। और ये देखिए दिख रहे होंगे ना आपको पेड़ पौधे, और इस तरीके से अपने घर को बहुत सुंदर बना के रखते हैं यहाँ पे लोग। ये देखिए गाइस कितनी बढ़िया इन्होंने अपनी बगिया बना रखी है। ये देखिए लोग कितना ज़्यादा अपने घर की केयर करते हैं। ये देखिए इनकी बाउंड्री की जो कटिंग है वो ये बाहर निकल के ये कर रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर हर एक के घर की बाउंड्री बिल्कुल ऐसी ही बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल कटिंग की हुई दिखेगी। देखिए ये देखिए निकला बहुत अच्छा पेड़, तो मैं दिखा देती हूँ आपको कितने लोगों की बाउंड्री। इवन नीचे वाली क्लास भी देखिए कितनी साफ सुथरी है, और इतने बड़े बड़े नहीं हो रहे हैं जबकि रोड की क्लास है, लेकिन इसको भी लोग मेंटेन करके रखते हैं। ये गाइस ये एक फ्लैट्स की बिल्डिंग पड़ी है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ फ्लैट्स किस तरीके से बने होते हैं। यहाँ जो पुराने ज़माने में घर होते हैं ना
बिल्कुल वैसा ही पूरा एम्बियंस दिखता है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इनको हम विक्टोरियन हाउस भी कहते हैं, जो पुराने ज़माने के होते हैं ना, उसी तरीके से लोग हैं, ईंटें बना लगा लगा के बना रखी हैं। देखिए सामने फ्लैट्स आपको दिख रहा है, इस तरीके से यहाँ पर फ्लैट्स बने होते हैं, और ऊपर से फ्लैट होता है इसकी जो ऊपर की छत है वो वैसी नहीं होती, झोपड़ा टाइप नहीं होती है। आपको दिख रहा है फ्लैट, देखिए सारे फ्लैट ही फ्लैट बने, और इसका भी बाहर का जो ग्रास है उन्होंने कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा है, आप देखिए। और देखिए ये फूल पेड़ पौधे ये सब लगा के रखे हैं, देखिए।